दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद के बारे में। सबा आजाद ने बहुत ही कम उम्र में बहुत पॉपुलरिटी हासिल कर ली है। सबा आजाद एक एक्ट्रेस, म्यूजिशियन और थिएटर डायरेक्टर हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक्ट्रेस सबा आजाद का लाइफ स्टाइल दिखाने वाले हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबा आजाद की बायोग्राफी के बारे में। सबा आजाद का फुल नेम सबा सिंह ग्रेवाल है और निकनेम सबा और मिंक है। प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस, थिएटर डायरेक्टर और म्यूजिशियन है। सबा आजाद का जन्म 1 दिसंबर 1990 को दिल्ली में हुआ और 2022 के हिसाब से 31 इयर्स की हो चुकी हैं। सबा का ताल्लुक एक थिएटर फैमिली से है, इसलिए स्कूलिंग के बाद सबा ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। दोस्तों सबा आजाद सफदर हाशमी की भतीजी हैं और सबा ने उनके थिएटर ग्रुप जाना नाटिया मंच में काम करना स्टार्ट कर दिया। सबा को डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है, इन्होंने डिफरेंट डांस फॉर्म में भी ट्रेनिंग ली हुई है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नाम पीएम सिंह ग्रेवाल है जो कि एक प्रोफेसर थे। सबा आजाद का एक बड़ा भाई भी है। दोस्तों अगर बात करें इनके बॉयफ्रेंड की तो रूमर्स हैं कि बॉलीवुड के एक्टर ऋतिक रोशन इनके बॉयफ्रेंड हैं और एक साथ नाइट डिनर में भी एक साथ नजर आ चुके हैं और कई बार इन्हें मीडिया ने एक साथ स्पॉट भी किया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इनकी रिलेशनशिप के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबा आजाद के करियर के बारे में। दोस्तों सबा ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। दोस्तों बॉलीवुड में आने से पहले इन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स में काम किया। इनकी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म का नाम गुरूर है जो ईशा नय्यर ने डायरेक्ट की थी। सबा ने 2008 में बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म दिल कबड्डी से, जिसमें इन्होंने राहुल बोस के साथ काम किया था। लेकिन सबा को इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रेक 2011 में फिल्म मुझसे फ्रेंडशिप करोगी से मिला था। सबा आजाद ने अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत की है। इन्होंने कई सारे ब्रांड्स के लिए कमर्शियल्स में भी काम किया है, जिनमें कैडबरी, पॉन्ड्स, किटकैट, सनसिल्क और एयरटेल के अलावा भी कई ब्रांड्स शामिल हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि सबा आजाद की थिएटर में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने अपनी एक थिएटर कंपनी भी ओपन की है जिसका नाम द स्किन्स रखा है और अपने फर्स्ट प्ले को भी डायरेक्ट किया जिसका नाम लव फूकी था। सबा आजाद को म्यूजिक का भी बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए 2012 में इन्होंने इमाद शाह के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक बैंड को स्टार्ट किया। इन्होंने कई सारी बॉलीवुड मूवीज के लिए भी गाने गाए हैं, जैसे कि फिल्म नौटंकी साला के लिए सांग धक धक करने लगा और फिल्म शानदार के लिए नींद ना मुझको आए। दोस्तों आपको सबा आजाद कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके घर के बारे में। दोस्तों सबा आजाद का दिल्ली में अपना एक शानदार घर है जहां वो अपने परिवार के साथ रहती हैं, जैसे कि आप इन फोटोज और वीडियोस में देख सकते हैं इनके घर की कुछ झलक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इनके पास एक मर्सिडीज बेंज जीएलए है जिसकी प्राइस है 45.56 लाख रुपीज। इसके अलावा इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है जिसकी प्राइस है 31.38 लाख रुपीज। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी इनकम के बारे में। दोस्तों सबा आजाद एक मूवी में काम करने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम म्यूजिक वीडियोस, थिएटर और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों 2022 के हिसाब से इनका नेटवर्थ है 12 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी सबा आजाद की लाइफ स्टाइल वीडियो। दोस्तों अगर आप सबा आजाद के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल पे चाहते हैं।